अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन आज हमारा पूल पे नहाने का प्लान था और इसी के साथ ही हमने आज प्लान बना रहा और पूल पे नहाने पहुंच गए। हम कोई चार पांच दोस्त थे, साथ हमारे कुछ बच्चे भी आ गए और ये उठा के फेंक दिया पीछे ही सीधा के सीधा। काफ़ी मज़ा आ रहा था, काफ़ी मज़े का दिन गुजरा और मज़ा भी आया क्योंकि पानी सॉफ्ट था। ये भाई का मैंने तीन बैक फ्लिप्स लगानी है, देखते हैं इसकी जो है ना तीन बैक फ्लिप्स होती कैसी हैं। क्योंकि दीवार काफ़ी हाइट पे थी और हाइट से फ्लिप्स लगाना बहुत मुश्किल होता है। ये जो सामने आपके फ्लिप लगाई है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल थी और काफ़ी रिस्की काम था क्योंकि नीचे सर के बल भी मैं गिर सकता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हुआ कुछ नहीं और बड़े अच्छे तरीके से ही बैक फ्लिप हुई थी। अब ये दोबारा जो है ना दोस्तों के पास जा रहा हूँ, वहाँ पे बच्चे जो कहते हैं हमें स्विमिंग करना सिखाएं, तो अब उनमें से एक बच्चा बार बार फोर्स कर रहा है कि मुझे स्विमिंग करना सिखाएं, तो मैंने सोचा क्यों ना ज़रा बच्चे को स्विमिंग कराई जाए और उस पर हल्का हल्का ज़रा पानी डाला ताकि जो है ना वो ज़रा यूज हो जाए इस पानी का। अब वो कहता है मुझे अपने ना पीछे कंधे पर बिठा के मुझे स्विमिंग करवाएं, तो अब उसको साथ लेके जा रहे हैं, उसकी स्विमिंग भी करना सिखाएंगे। साथ में एक दूसरा बच्चा हमें फोर्स कर रहा होता है भाई मुझे भी लेके जाओ, लेकिन दो लोगों को इकट्ठा एक साथ स्विमिंग करवाना इतना मुश्किल होता है। और देखो कहता भाई मुझे लेके जाना है, कहता नहीं मैं जो है ना इसको स्विमिंग करा के फिर आऊँगा। तो काफ़ी एक्साइटेड थे बच्चे, खुश भी हो रहे थे हमारी एक्टिविटीज़ को देख के। और ये देखें वो पाँव मारना शुरू कर देगा, ये देखें वो कहता मैं शायद अभी तैरने जा रहा, मेंढक के बच्चे नहीं मार रहे होते पाँव, वैसे ये पाँव लगाना शुरू कर दिए। और काफ़ी ये बैक फ्लिप चेक करिएगा आप, ये देखें ये मुकम्मल तौर पर बिल्कुल परफेक्ट बैक फ्लिप लगी है। और ये अभी जो है ना लोगों ने देख के कहना कि हमने भी इस तरह की करनी है, इवन कि एक भाई ने वो कहता है मैं इस तरह का करके दिखाऊंगा। तो देखें आप कंपेयर करें कि किसके ज़्यादा बैक फ्लिप अच्छी है, भाई की या हमारी। और ये देखें इसी तरह नाक पकड़ लिया उसने और ये सर के बल नीचे जा गिरा, शुक्र है सर पर चोट नहीं लगी इसके, क्योंकि थोड़ा सा ना उसकी जो गहरा ज़्यादा था पानी इस वजह से। और ये इस तरह जो है ना आज काफ़ी इंजॉय किया हम लोगों ने, बच्चे भी एक्साइटेड थे, डेफिनेटली मज़ा भी आ रहा था। पानी जो है ना वो ताज़ा पानी था, साफ पानी था और जो है वो पूल काफ़ी बड़ा था, क्योंकि हम लोग चार पाँच थे इंजॉय कर रहे थे तो इस तरह से। और ये काफ़ी हमने हाइट्स जंप वगैरह भी किए थे और बच्चे जो है ना वो कह रहे थे हमें जंप करना सिखाएं, फ्लिप करना सिखाएं, तो उनको भी सिखा रहे थे साथ के साथ। अब ये बंदा कहता है मैंने अब करनी है दोबारा बैक फ्लिप, चेक करें आप लोग किस तरह से अपनी बैक फ्लिप कर रही है। और ये गया जी सीधा था, शुक्र है कि